हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, गवर्नर्स रोल इन पासिंग बिल, तो हमने द हिंदू में भी आर्टिकल देखा है और इंडियन एक्सप्रेस में भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉलिटी में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अ वीक आफ्टर तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि विथहेल्ड हिज एसेंट टू 10 बिल स्पेंडिंग विद हिम फॉर 3 ईयर्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्वेश्चन द डिले इन डिसीजन। A bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud underlined that the governor had acted only after the court intervention on November 10. At least 4 opposition rule states, including Tamil Nadu, have approached the Supreme Court seeking its intervention on defining the contour of governor's power in lawmaking process. देखते हैं क्या ये लोगों ने बोला है, भाई गवर्नर क्यों टांग लड़ा रहा है। What did the Supreme Court say? Supreme Court ने क्या बोला है? Ravi withheld his assent to bill on November 13. On November 18, the Tamil Nadu Assembly readopted all the bills in a special sitting. The governor says he has disposed of these bills on November 13. Our concern is that our order was passed on November 10. These bills have been passed pending since January 2020. It means that the governor took the decision after the court issued notice. What was governor doing for 3 years? Why should the governor wait for the parties to approach the Supreme Court? The Chief Justice of India asked. ये अपने डीवाई चंद्रचूड़ जी है। तो इन्होंने साफ पूछा, 3 साल से गवर्नर क्या कर रहा था यार, जब इश्यू आज पास नोटिस आज आया और आज तुम देख रहे हो, 3 साल से क्या कर रहे थे। एग्रीइंग टू अटोर्नी जनरल आर वेंकट रमानी रिक्वेस्ट, द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड टू हियर द केस next on December 1, giving Ravi time to make a fresh decision on the readopted bills. Unless the governor signs off on it, a bill cannot become law. Therefore, delay on the governor part directly affects the functioning of the legislature. तो जब तक साइन नहीं करेगा गवर्नर, बिल नहीं बनेगा, लॉ नहीं बनेगा, लॉ नहीं बनेगा, वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो लोगों तक उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। What does the constitution say about the governor's role in assent टू बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अपना जो संविधान है वो क्या कहता है। वाइल आर्टिकल 163, देखिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ गवर्नर, तो इसमें तो पावर ऑफ गवर्नर दिया गया है जनरली। आर्टिकल 200, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फिर स्पेशली डील्स विद द इशू ऑफ ग्रांटिंग एसेंट टू बिल। बोथ द प्रोविजन आर रेड टूगेदर टू डिटरमाइन द पावर ऑफ गवर्नर होल्ड इन ऑन द इशू, तो इन दोनों आर्टिकल को एक साथ पढ़ना चाहिए ताकि गवर्नर का पावर हमें पता चले। व्हेन अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इज प्रेजेंटेड टू गवर्नर, द गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस, क्या क्या है। ग्रांट एसेंट, मतलब साइन कर दो उसको लॉ बना दो। विदहोल्ड एसेंट, मत करो उसको, अभी छोड़ दो, पॉकेट वीटो टाइप है। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, वापस से भेजो कि भाई ये चीज सही नहीं लग रही देखो। और रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और या तो प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए रख लो। आर्टिकल 200 रीड्स, या आपका 163 था, और देखिए 200 क्या है। व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट और इन केस ऑफ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, इट शैल बी, शैल मतलब कंपल्सरली, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर एंड द गवर्नर शैल डिक्लेयर, मतलब कंपल्सरी उसको डिक्लेयर करना है, आइदर दैट द असेंट टू द बिल और दैट ही विदहोल्ड एसेंट देयर फॉर और दैट ही रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये सारी चीज़ें उसको करनी है, डिक्लेयर करना है। हाउ एवर द आर्टिकल हैज़ अ की प्रोविजो, की प्रोविजो क्या है, इट सेज दैट गवर्नर मे एज सून एज पॉसिबल रिटर्न बिल अदर देन मनी बिल विद द मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस रिकन्सिडर इट इन पार्ट्स और इन होल्स, मतलब अगर पूरा बिल है तो उसका या तो कोई पार्ट गवर्नर को नहीं अच्छा लग रहा है या तो पूरा बिल को ही वो वापस से करे। हाउएवर वंस द लेजिस्लेटिव हाउस रिकंसिडर द बिल एंड सेंड्स टू गवर्नर वंस अगेन, तो अगर इसको वापस से भेजा और उन्होंने भेज दिया लेजिस्लेचर ने वापस से गवर्नर के पास, द गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड असेंट फ्रॉम देयर फ्रॉम, शैल नॉट मतलब अब असेंट नहीं, ये जो तीन अब तो ग्रांट असेंट करना ही पड़ेगा, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अब तो उनको एसेंट देना ही पड़ेगा। द टग ऑफ वॉर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर इन द अपोजिशन रूल स्टेट स्पेशली लाइज इन द
wording of the proviso. The proviso says that the governor must return the bill as soon as possible, but does not prescribe a specific time frame. Raj Bhavan has exploited this ambiguity to sit on bills indefinitely without returning them to the state legislature. But can a governor in practice actually sit on a bill forever? Kya aisa ho sakta hai? An indefinite timeline is deciding on bills can in effect amount to paralyzing the elected government. So elected government hai, maniye yahan pe A party ki government hai, center pe B party ki government hai, aur hum log kahi baar jaate hai, jante hai ki governor ko appoint kiya jata hai center ke government se, to wo ho sakta hai center ke as a agent kaam kare. अब ये कोई पॉलिसी ला रहे और वो सेंटर वाले बोल दे गवर्नर को भाई इसको पास मत करो, और वो मानो पास नहीं करेगा, विदाउट करेगा, तो ये कब तक करेगा? और अगर ये ज़्यादा टाइम तक करता है तो क्या यहाँ पे ये जो ए का लेजिस्लेचर है, ए का जो लॉ है, क्या वो पैरालाइज नहीं हो रहा है? तो वही बात हो रही है यहाँ पे, पैरालाइजिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट. एट द सेम टाइम गिविंग असेंट टू द बिल इज वन ऑफ द फ्यू एरियाज इन विच द गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन, बट अगेन दिस डिस्क्रिशन कैन नॉट बी यूज्ड आर्बिट्रेरीली और बी बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स विद कॉग्निट रीजन. तो ये तो भाई गवर्नर का डिस्क्रिशन है, पर उसके भी भाई कुछ प्रोविजन है. आप ऐसे मन से तो नहीं कर सकते ना, हम गवर्नर है तो हम कुछ भी करेंगे. एडिशनली आर्टिकल 200 यूजेस द वर्ड शैल, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया शैल, विच इंडिकेट्स दैट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंडेड अ मैंडेटरी टर्म फॉर द गवर्नर ऑन दिस एस्पेक्ट. तो यहाँ पे शैल का यूज मतलब होता है मैंडेटरी, करना ही करना है, कंपल्सरी है. द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लैंडमार्क 2016 रूलिंग इन अरुणाचल प्रदेश असेंबली केस नबम अरेबिया एंड बिमांग फ्लेक्सी वर्सेज डिप्टी स्पीकर डिस्कस दिस एस्पेक्ट ब्रीफली. ऑफकोर्स द गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड असेंट टू बिल इंडेफिनेटली बट मस्ट रिटर्न इट टू असेंबली विद अ मैसेज दैट दिस कुड इंक्लूड हिज री रिकमेंडेशन फॉर अमेंडमेंट टू द बिल. This is the subject of matter of Rule 102 and Rule 103 of the rules, which read as follow. 102 Clause 1. When a bill passed by Assembly is returned to Assembly by Governor with a message requesting that the Assembly do reconsider the bill or any specified provision, therefore any such amendments as are recommended in his message. The speaker shall read the message of the governor in the assembly in session, or if the assembly is not in session, direct that it may be circulated for information of the members, the court said. So, मतलब वो तो स्पीकर बताए, अगर सेशन में नहीं है तो वो मैसेज पहुंच जाए लोगों तक. लोगों तक मतलब फ्रेमर्स तक. What is argument of the state in Supreme Court? Apart from Tamil Nadu, Kerala, Telangana and Punjab too have sought the intervention of the court on the issue. Kerala in its plea had argued that three bills have been pending with Governor Arif Mohammed Khan for more than 2 years and another three for more than a year. Appeal, a PIL on issue in Kerala High Court made that state government responded, but the High Court refused to intervene, prompting the state to move to Supreme Court. Telangana argued that more than 10 key bills are pending with Governor Tamilisai Sundararajan, and have 7 of those were passed by the Assembly and sent for Governor Assent in September 2022. अब देखो, एक साल से ऊपर तक के बिल्स ही आराम से ऐसे रखे, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. Tamil Nadu has argued that the governor, by not signing remission order day to day, file appointment order, approving recruitment order, granting approval to prosecute minister MLA involved in corruption, including transfer of investigation to CBI by Supreme Court bill passed by Tamil Nadu Legislative Assembly, is bringing the entire administration to a halt and creating adversarial attitude by not cooperating with the state administration. यहाँ पे स्टेट अपने सारे कंसर्न्स बता रहे हैं, और वो गलत है भी नहीं, बिल्कुल सही है. व्हाट कैन सुप्रीम कोर्ट डू नाउ? सेवरल एस्पेक्ट्स डीलिंग विद द गवर्नर पावर, सच एज द रोल इन रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल, इनवाइटिंग द पार्टी विद अ मेजोरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट और ड्यूरिंग अ ट्रस्ट वोट, हैव बीन लेजिस्लेटेड एक्सटेंसिवली एंड देयर इज नाउ सेटल लॉ ऑन दीज एस्पेक्ट्स. द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ बीन कॉल्ड अपॉन टू डिसाइड अ न्यू एस्पेक्ट, whether it can fix a timeline of a governor to sit to give assent
to bill, which amounts to deciding whether it can prescribe limit to office exercising constitutional power. In the past, courts has reluctantly fixed timeline for a speaker office to decide disqualification case. The governor cannot be made a party before the Supreme Court. Generally, therefore, the court issue notices to secretary of the governor in such dispute. So governor ko direct notice nahi ja sakta, isliye secretary of governor ko court notice bhej raha hai. अब देखिए ये आर्टिकल सब एक्सप्लेन तो है ही इस आर्टिकल में, पर फिर भी हम लोग अगर देखें, अगर समरी इसका देखें तो सबसे पहले जस्ट अ सेकंड, हमारे लिए सबसे पहले देखिए कौन कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है. आर्टिकल 200 वेरी इम्पोर्टेंट, और एक आर्टिकल था यहाँ पे 163, आर्टिकल 163. इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तब पता चलेगा. इसमें क्या है, गवर्नर के पास फोर वेज होते हैं. उसको